नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर आज खेत मजदूर यूनियन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के धरना और प्रदर्शन किया गया। मजदूरों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। मजदूरों का कहना है कि मकान की मरम्मत के लिए SC और BBL परिवारों को सरकार द्वारा 50,000 रुपये की ग्रांट दी जाती है, लेकिन इनमें से अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें पेंशन बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इसलिए ब्लॉक स्तर पर स्थायी मेडिकल बोर्ड का गठन करके 60 साल की उम्र में सभी लोगों की पेंशन बनाई जाए। मजदूरों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार 2 एकड़ से कम आमदनी वाले सभी लोगों को इस कानून में शामिल करने के लिए राशन दिया जाए। इस प्रदर्शन की अगुवाई पार्षद रामचंद्र सहनाल ने की। पलपल फतेहाबाद से राजेश महम्बू की विशेष रिपोर्ट। ये धरना क्यों दिया है? ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं बुढ़ापा पेंशन के लिए पिछले 6 महीने से समाज कल्याण विभाग में फार्म जमा करवा दिए। 20 जुलाई को रतिया ब्लॉक में डॉक्टरी होगी, सभी ब्लॉकों में डॉक्टरी होगी, लेकिन अभी तक उनके फार्म वापस नहीं दिए जा रहे कि आपकी पेंशन की उम्र लिख दी या ना लिख दी, ताकि वो ऑनलाइन करा सकें। आगे 4 चिंता आ जाएगी। एक पेंशन लगवाने के लिए 1 साल लगता है एक बुजुर्ग आदमी को। मकानों की मरम्मत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 50,000 की ग्रांट है, जिसमें 10,000 15,000 25,000 तक सीधे गरीब लोगों से लिए जा रहे हैं, और जो जायज लोग हैं उनको उनकी ग्रांट नहीं दी जा रही। पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना मकानों का सर्वे कर लिया, अभी तक एक भी गरीब आदमी को उसकी ग्रांट नहीं दी। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, पीले कार्डों का सर्वे नहीं कर रहे। पिछले दिनों जो ऑनलाइन में सर्वे हुआ उनकी लिस्ट ओपन नहीं कर रहे। गरीब आदमी दफ्तरों में, आम जनता दफ्तरों में चक्कर लगा रही है, कोई न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हम DC साहब को मिलने के लिए आए हैं कि जिन लोगों के पेंशन के फार्म ले लिए उनकी बताई जाए कि पेंशन लगी कि ना लगी।